तहरीके इंसाफ के रंगीले रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी अहलिया दानिया शाह ने इस इल्ज़ाम की सख्ती से तर्दीद की है कि उन्होंने अपने शोहर की बरहना वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल की हैं। दानिया शाह ने दावा किया है कि आमिर लियाकत की वीडियोस किसी तीसरे फरीक ने बनाई और उन्हें भी उस शख्स ने वीडियोस भेजी। दानिया शाह ने दावा किया कि उन्होंने आमिर लियाकत की वीडियोस वायरल नहीं की। उनके पास शोहर की इस तरह की सिर्फ एक वीडियो है, जबकि वायरल होने वाली वीडियोस उन्हें किसी तीसरे शख्स ने भेजी थी। मेजबान के सवाल पर दानिया शाह ने वीडियो भेजने वाले शख्स का नाम बताने से गुरेज किया और कहा कि ये उनका जाती मामला है। इससे पहले उन्होंने मुतादित इंटरव्यूज में ये भी दावा किया था कि आमिर लियाकत से फरवरी 2022 में शादी के वक्त उनकी उम्र 18 नहीं बल्कि 15 बरस थी और उन्होंने टीवी मेजबान के दबाव की वजह से उम्र बढ़ाकर लिखवाई। उन्होंने ये भी वाजह किया था कि वो सैयद नहीं बल्कि मलिक हैं और आमिर लियाकत ने उन्हें सैयद कहलवाने का कहा। दानिया शाह ने गुज़श्ता हफ्ते 7 मई को पंजाब के शहर भावलपुर की अदालत में तनसीख निकाह की दरख्वास्त दायर की थी, जिसके बाद उनके और आमिर लियाकत के दरमियान एक दूसरे पर इल्जामात लगाने का सिलसिला शुरू हुआ। आमिर लियाकत ने भी दानिया शाह की मुतअद्दिद मुबैना ऑडियोज जारी की हैं, जिनमें उन्हें दूसरे अफराद से नामुनासिब बातें करते हुए सुना जा सकता है। दोनों ने फरवरी 2022 में शादी की थी और महज 3 माह बाद ही दोनों ने एक दूसरे पर शर्मनाक इल्जामात लगाकर सोशल मीडिया पर एक दूसरे का नामुनासिब मवाद भी शेयर किया। उनके मुताबिक उन्हें ब्यूटी पार्लर और सैलून के जरिए खूबसूरत बनाकर टीवी पर पेश किया जाता रहा। उन्होंने दावा किया कि आमिर लियाकत उन्हें मोबाइल फ़ोन भी इस्तेमाल करने नहीं देते थे। वो उस वक्त ही फ़ोन इस्तेमाल करती थी जब उनके शोहर उनसे दूर जाते थे। इससे कबल भी दानिया शाह ने आमिर लियाकत पर मुतअद्दिद इल्ज़ामात लगाते हुए दावा किया था कि शोहर उन्हें फोहश वीडियोस बनाने का कहते थे, उन पर तशद्दुद करते थे, उन्हें नमाज पढ़ने से रोकते और अच्छा लिबास पहनने से भी मना करते थे। उन्होंने ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि आमिर लियाकत को जब भी किसी और की ज़रूरत होती थी तो उन्हें वो घर से बाहर शॉपिंग के लिए भेज देते थे और वापस आने से कबल फ़ोन करने की हदायत भी देते थे। दानिया शाह ने दावा किया कि आमिर लियाकत ने शादी के दूसरे दिन ही उन पर तशद्दुद करना शुरू किया था और उन्हें उस वक्त ही मालूम हो चुका था कि वो नशा करते हैं, मगर वो खामोश रहीं। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।